जम्मू को यूं तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। हर आदमी आपको आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर में जाता हुआ नजर आएगा, पर ये कहना कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कॉन्शियस को ये अलाउ नहीं करती कि देखिए आप मंदिर आते हैं पूजा अर्चना के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर तो चले जाते हैं, जो प्रसाद है प्रसाद के साथ जो हमें बैग्स मिले होते हैं वो हम कहीं ना कहीं वहीं फेंक देते हैं, प्रसाद जो हमें मंदिर से मिलता है उसके जहाँ थाली जो कुछ भी मिलता है वो हम कहीं ना कहीं बाहर फेंक देते हैं। इस वक्त मैं हूँ रेलवे स्टेशन की मार्केट जम्मू में शिव मंदिर के बाहर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर कितना गंद है। अब देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी है, ये मंदिर के जो पीछे एजेस लगी हैं उसमें ये गंदगी पड़ी हुई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान है, अभियान को हमें अपनाना है, हमें भारत को स्वच्छ रखना है, वहीं कहीं ना कहीं हम हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हम जिम्मेवार नागरिक का ये मानना है, मतलब हमें करना चाहिए कि हम अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ रखें। घर तो हम साफ करते हैं लेकिन कूड़ा निकाल के हम लोग बाहर फेंक देते हैं। हम सरकार को गलत ठहराते हैं कि सरकार इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, और सरकार का ये मानना है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं कि मंदिर के आसपास इतनी गंदगी क्यों है, क्या है इसके पीछे कारण। तो ये शिव मार्केट है, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन जम्मू की शिव मार्केट में हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। सर एक सेकंड, आपसे आपका नाम? गुलाम सर। तो ये मंदिर के बैक साइड है, यहाँ पर काफी गंदगी देखी है, क्या इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या है, आते हैं और सफाई करके चले जाते हैं, गाड़ी सामने आती है, सुबह सुबह का टाइम होता है उनका। तो गाड़ी क्या डेली आती है यहाँ कूड़ा करकट उठाने के लिए? डेली आती है मैम, डेली आती है जी। फिर भी ये गंद पड़ा हुआ आपने, मैं देख रही हूँ पीछे, आप हमने क्या अपने दर्शकों को भी दिखाया कि पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर लोगों की डस्टबिन तो लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ क्या है कि यहाँ जो भी यात्रु आते हैं कभी कोल्ड ड्रिंक पीता है, बोतल उधर फेंक देते हैं, और बाकी ये जो यहाँ सारे दुकानदार है वो अपनी वो भी डाल देते हैं, लेकिन अपनी जो दुकाने की जगह जो है वो सफाई उसकी करते हैं, सफाई करने के बाद उधर डाल देते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने हमें बताया कि सफाई तो जैसे जो भी यात्री आते हैं या जो भी है वो खा पी कर ये एज के अंदर उस गंदगी को डाल देते हैं। अंकल है, अंकल जी से बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मैं बेटा प्रेसिडेंट हूँ यहाँ में। अच्छा, ये जो जगह है हमने कितने दफ़ा साफ कराई है, तो ये जो डस्टबिन भी लगाए हैं उन्होंने, कुछ दुकानदारों ने लगाए नहीं है, तो उसके बावजूद भी जो अपनी सफाई है, जो सफाई करने के बाद सारा कूड़ा करके इसी के बीच में डालते हैं। हम तो म्यूनसिपैलिटी वालों को बोलते हैं कम से कम इनके आप थोड़े बहुत चलान कीजिए, इनको थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी डेली गाड़ी आती है, स्वीपर भी डेली लगा है, वो मेरे ख्याल में संडे को भी छुट्टी नहीं करता है, तो इस मार्केट में हमेशा स्वीपर रहता है और सफाई वाली गाड़ी सुबह भी आती है शाम को भी आती है। सबसे बड़ी बात है अंकल जी, ये मंदिर के पीछे है, मंदिर के पीछे जो एजेस बनी है वहाँ गंद डाला गया, वो ये जो जो जाली लगाई है ये भी हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि हम लोगों को आदत है अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह बैठने की। अगर ये आप खाली जगह छोड़ते ना, यहाँ खोखे बन जाने से, आप जम्मू में लोकल हैं आपको पता ही है कैसे कैसे क्लोज बेटे कोई शिवसेना आ जाती है, कोई और आ जाती है, तो इसीलिए आपने ये यहाँ हरियाली के लिए लगाए थे, बूटे वगैरह लगाए हैं, और लेकिन लोगों को आदत है गंदगी डालने की, आदत तो है ही है, फिर भी काफ़ी फर्क है। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पर इस मंदिर के पीछे इतनी गंदगी है। सिर्फ यही नहीं, जम्मू के कई एरियाज में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ ऐसी गंदगी मिलती है हमें। जैसे मैंने पहले कहा, हम जिम्मेवार नागरिक हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने घर के साथ साथ अपनी सराउंडिंग को भी साफ रखें। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील भट्ट है। तो ये क्या कहेंगे, इतनी गंदगी है यहाँ पर, किसको आप दोषी मानते हैं, लोगों को या सरकार को? यू विल सी, आप देख सकती हो यहाँ म्यूनसिपैलिटी ने कहीं कचरे का डब्बा नहीं लगाया, इसमें देखिए इस रो में किसी जगह भी नहीं है। आप
स्कैन करके दिखाइए, यहाँ पर कहीं पे भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी कचरे का डब्बा नहीं लगा हुआ। जो ये जो बोल रहे थे ये प्रेसिडेंट है यहाँ मार्केट के, ऐसा बात नहीं, ये प्रेसिडेंट है, ये जो बोल रहे हैं ये भी ठीक बोल रहे हैं कि भाई लोग, हमारी भी गलती है कि भाई हम यहाँ इजीली हो जाता फेंक देते हैं, तो वो मतलब कोई प्रिकॉशन तो होना चाहिए कि भाई ये हम इसमें फेंक देंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है, म्यूनसिपलिटी ने लगाए हैं, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो तो बिल्कुल काम अच्छी तरह से करते नहीं है। अगर प्राइवेटाइज होते तो काम अच्छी तरह से कर लेते, कोई म्यूनसिपलिटी हो, JDO हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वाटर वर्कर्स हो, इलेक्ट्रिक हो, कोई भी डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम नहीं करता। अगर ये प्राइवेटाइज होंगे इनको पता चलेगा प्राइवेटाइज क्या होता है। ये अभी ये तो लगाते ही लगाया नहीं है इन्होंने यहाँ कोई, जिसमें डालेंगे दुकानदार उठेंगे तो डालेंगे उसमें कि ये साफ़ सुथरा रहेगा, जब हमें इजीली उठता है तो फेंक देते हैं इसमें, तो ये तो गंदा होना ही है, तो क्लीनर्स कोई है नहीं। बाकी आप देखिए खुद क्या क्या है, कितने डब्बा फेंके हैं। तो जिस तरह से बताया इन्होंने कि गाड़ी आती है रोज कूड़ा उठाने के लिए, गाड़ी आती है वो, तो फिर भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कूड़ा भी वैसे का वैसे ही ज्यों का त्यों। मैम वो जो सफाई करता वो बेचारा इधर ही सफाई करेगा, वन पर्सन है, वन पर्सन कितना सफाई करेगा, एक पर्सन का लेगा ये पूरा मार्केट साफ, अब ये अंदर जाएगा इतना गंदा है कि कहने की बात नहीं। कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि ये एजेस बनी हुई है तो यहाँ इनकी भी सफाई करें? खुद पे करते थे, फंड्स करते थे इकट्ठा, जमा यहाँ से लेके उधर तक बिल्कुल जमा करते थे पैसे और साफ़ सुथरा कर देते। फिर जब म्यूनसिपलिटी के अंडर ये मतलब ये मार्केट हो गया सारा, म्यूनसिपलिटी ने कर दिया, म्यूनसिपलिटी ने हाथ भी नहीं लगाया इस गंद को, चाहे यात्रु आए तो बोतल फेंक देगा, कोई वाइन पीता। मानती हूँ मैं आपकी बात, मानती हूँ कि हम लोग सरकार को कहीं ना कहीं गलत ठहराते हैं या ऑफिसर्स को या कंसर्न डिपार्टमेंट को गलत। रुपया सफाई पे खर्च होता है, जब हम सेटिस्फाई नहीं है उस सफाई से तो फिर फ़ायदा क्या अरबों रुपये खर्च होंगे। मुझे बोले जब कोई डिपार्टमेंट बन जाता है जिसमें अरबों खरबों रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट खर्चती है, वो भ्रष्टाचार के जेम जर जाती है, किसी डिपार्टमेंट जट जाइए एप्लीकेशन दे दिए, कोई कुछ दे दिए, उसको हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ते लग जाते हैं, जब तक आप पे नहीं करोगे वो क्लर्क बोलता है मेरा फीस कहाँ है, दूसरा बोलता है मेरा फीस कहाँ है, तीसरा बोलता है जब, यानी करप्शन हाई क्वालिटी का करप्शन है जम्मू कश्मीर में इस टाइम भी, गवर्नर राज में भी हाई क्वालिटी का करप्शन है, जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तब तक तो ये आप देखते हो हर जगह, ये देखो मैंने वहाँ पर आगे देखा था दो डस्टबिन है लेकिन डस्टबिन सिर्फ नाम के हैं, लोगों ने कचरा फिर भी बाहर ही फेंका हुआ है। शॉपों का यहाँ 100 कुछ शॉप्स है, दो डस्टबिन एनफ नहीं है, दो डस्टबिन एनफ नहीं, यहाँ कम से कम 50 होगा, अगर हाफ एन आवर होगा 50 होने चाहिए कम से कम, तो अभी लोग आएंगे तो डस्टबिन में फेंकेंगे वट आवर ये तो फेंकेंगे, ईजिली फेंक देंगे बाहर फेंक देंगे। जब गवर्नमेंट को साफ़ सफाई रखनी है तो उनको भी कुछ करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए, यानी कि लोग नहीं करें लोगों को भी करना चाहिए। डस्टबिन हो यहाँ तो फेंक देंगे लोग, ये देखते हैं इजी कप हो तो फेंक देंगे यहाँ, कुछ हो जूस पीएंगे तो फेंक देंगे यहाँ, डस्टबिन तो है नहीं। डस्टबिन हो तो मार्केट की शान सफाई रहती है, यह ग्रीननेस है, हरियाली है, बहुत अच्छी है, ये तो मार्केट में रखें। मैं अपने दर्शकों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर डस्टबिन तो लगे हैं लेकिन फिर भी डस्टबिन में वो नहीं गंद फेंका गया, गंद को बाहर फेंका गया है और जो डस्टबिन है सिर्फ यहाँ पर दो डस्टबिन लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी कहना जेन्युइन है कि 200 शॉप्स हैं यहाँ पर, कम से कम 50 डस्टबिन होंगे या 100 डस्टबिन होंगे तो ही गुजारा उनका होगा। ये देखिए डस्टबिन होने के बावजूद भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी मंदिर के एजेस में पड़ी हुई है। जहां प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा है कि भारत स्वच्छ अभियान को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं ये कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, सरकार की तरफ से कह लीजिए या हम सबकी तरफ से कह लीजिए, गलती दोनों तरफ से है। तो हमें खुद अपने घर को साफ रखना है तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ रखना होगा, तभी भारत स्वच्छ बनेगा। कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।